Okay, today's topic is chemical reactions of alcohol. सबसे पहले जो अल्कोहल का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर होता है. वो कैसे पता चलेगा हमें? सपोज CH3CH2OH, अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए कि एसिडिक है या बेसिक, तो इसको कंप्लीट अगर हम बनाएं CH3CHHOH, तो इसमें इस पूरे ग्रुप का जो इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट है प्लस आई ग्रुप. तो प्लस आई ग्रुप होने से इस बॉन्ड को जो है ओ एच बॉन्ड जो है आपका ब्रेक होगा. ओ एच बॉन्ड ब्रेक होने से ये एच प्लस आसानी से आप दे सकते हैं. तो सी एच थ्री सी एच टू ओ नेगेटिव और प्लस एच प्लस एक रिएक्शन होगी. तो ये रिएक्शन जो है इंडिकेट करती है कि ये जो आपका एच पॉजिटिव आउट हुआ है ये एसिडिक नेचर हो गया. लेकिन इसी रिएक्शन को अगर हम कहें कि सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस सोडियम की रिएक्शन अगर हम इससे करें, तो इससे बेटर एक्सप्लेन होगा कि एसिडिक नेचर है या नहीं है. जो सोडियम है, दिस वन इज एक्टिव मेटल. ये एक्टिव मेटल इसमें हाइड्रोजन को इलिमिनेट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी एज ए एच पॉजिटिव रह सकता है और एन ए भी एन ए पॉजिटिव के रूप में रह सकता है. तो जो सेम टाइप का कैटाइन होगा वो कैटाइन को ही रिप्लेस करेगा, एनाइन एनाइन को ही रिप्लेस करेगा. तो यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है आपके सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू ओ एन ए प्लस एच. एच को अगर बैलेंस करें तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ट्वाइस और ये एच टू हो गया. दिस रिएक्शन एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल. तो जो एल्कोहल होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर. तो नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अल्कोहल जो है, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीन तरह के अल्कोहल होते हैं. तो इन तीनों अल्कोहल्स में से कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है उसको पहले क्लियर कर लेंगे. CH3CH2OH ये है प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री. CH3CH3HOH 2 डिग्री अल्कोहल. CH3CH3CH3OH दिस वन इज 3 डिग्री अल्कोहल. अगर इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो क्या अंतर है? देखिए इसमें से किस में एच प्लस देना सबसे आसान होगा, ये हमें कोशिश करनी है समझने की. तो पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री. तीनों में जो है जो ग्रुप है हमारे पास, इसमें देख रहे हैं हम एक प्लस आई. अगर सी एच थ्री के बीच में कंपेयर करें तो यहाँ पर सिंगल प्लस आई ग्रुप है. इन दिस सेकेंडरी अल्कोहल देयर आर टू प्लस आई ग्रुप्स. एक प्लस आई यहाँ पे है तो यहाँ दो प्लस आई ग्रुप है. इन केस ऑफ टर्शियरी यहाँ पर तीन प्लस आई ग्रुप. तो प्लस आई ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना. इट मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किस तरफ को कर रहे हैं? ये ऑक्सीजन की तरफ को. टुवर्ड्स ऑक्सीजन अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं तो ओ और एच के बीच के बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करना टफ होगा टर्शियरी में. इट मींस जैसे जैसे हम 1 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, ओ एच बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. इट मीन्स ओ एच बॉन्ड को तोड़ना टफ होते जा रहा है. इट मीन्स ये हो गया कि एच पॉजिटिव का आउट होना जो टर्शियरी अल्कोहल है उसमें सबसे टफ है. तो इस वजह से टर्शियरी अल्कोहल जो होगा लीस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें तो आसानी से एच प्लस दे सकते हैं, इसमें थोड़ा टफ होगा. अगेन मोर टफ इन टर्शियरी अल्कोहल. दैट्स व्हाई दिस वन इज मोस्ट एसिडिक while tertiary alcohol is least acidic. सबसे कम एसिडिक हमारा रहेगा tertiary alcohol. इसी तरह से रिएक्शन के बेस में अगर हम देखेंगे, पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम. अगर इन तीनों को हम रिएक्शन विद एनी और एनी अदर मेटल,
सोडियम के साथ में अगर रिएक्शन करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एसिडिक है प्राइमरी अल्कोहल, और टर्शियरी अल्कोहल लीस्ट एसिडिक है, तो इस वजह से प्राइमरी अल्कोहल सोडियम के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा और टर्शियरी अल्कोहल जो है सोडियम के साथ सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन करेगा। तो CH3CH2OH+ सोडियम अगर आप लिखते हैं तो इसको हीटअप किया जाएगा, तो CH3CH2ONa+H2 बैलेंस करेंगे, तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो ये रिएक्शन सबसे फास्ट इसमें होगी, सबसे स्लो होगी टर्शियरी में CH3 3CoH+Na=CH3 3CoNa+H2 बैलेंस करेंगे, तो ट्वाइस। दिस वन इज स्लो रिएक्शन, दिस वन इज फास्ट। तो किसी भी रिएक्शन को स्लो या फास्ट कैसे किया जाएगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि जो रिएजेंट है जिससे भी हम रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहल में या कोई भी सबस्ट्रेट, वो कितना फास्ट जो है किसी एटम को डिस्प्लेस करता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन को सोडियम सबसे आसानी से डिस्प्लेस करेगा, तो इसकी वजह से जो है ये रिएक्शन फास्ट होगी। और इसमें सोडियम को हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना टफ होगा, क्योंकि पोलैरिटी जो है OH बॉन्ड की बहुत कम हो गई है प्लस आई ग्रुप की वजह से। 3 प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पर एक ही प्लस आई ग्रुप है, तो इसकी वजह से यहाँ रिएक्शन जो है स्लो होगी और ये रिएक्शन फास्ट होगी। तो ये तो पहली रिएक्शन है जिसमें सोडियम के साथ में हमने रिएक्शन करी। इसी तरह से कुछ रिएक्शन इसकी और है, जैसे दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कल भी हमने कुछ रिएक्शंस में यूज किया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा है CH3MgBr। CH3MgBr को और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं CH3MgX। R ग्रुप कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, Mg मेटल, X हैलोजन, वो Cl, Br, I कुछ भी होगा, F भी हो सकता है। तो अगर आप किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अल्कोहल के साथ में करते हैं तो क्या होता, देखिए सपोज एक अल्कोहल है, सबसे सिंपलेस्ट हम ले लेते हैं CH3OH। इसमें अगर रिएक्शन हमने करनी है CH3MgBr, तो जब इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो किस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होगी, उसके लिए हमें ये पता लगाना होगा कि जो मॉलिक्यूल हमें दिया है सबस्ट्रेट के रूप में और जो रिएजेंट हमें दिया है, उन दोनों में पोलैरिटी कैसे शो करेंगे। आप CH3OH को अगर हम ब्रेक करें तो CH3O ये है नेगेटिव और H जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि जो अल्कोहल की जितनी भी रिएक्शन होंगी वो या तो होंगी OH बॉन्ड के बेस में या होंगी कार्बन और ऑक्सीजन के बेस में। दो तरह की रिएक्शन होंगी, या तो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ करके आप करेंगे CO बॉन्ड को, या OH बॉन्ड को तोड़ के करेंगे। ये आइडिया हमें लगाना होगा कि कहाँ पर किस रिएजेंट की प्रेजेंस में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। CH3MgBr, ये CH3MgBr में अगर हम ब्रेकिंग करें तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एक तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में CH3 जो है और Mg के बीच में जो बॉन्ड है यहाँ पर पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, तो CH3 के ऊपर हमें लगाना है डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि मैग्नीशियम जो है एक मेटल है तो मैग्नीशियम वाले पार्ट पे पॉजिटिव लगेगा और CH3 के पार्ट पे नेगेटिव। तो अगर आप देखें अल्कोहल के साथ में तो अल्कोहल में H के ऊपर पॉजिटिव है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3 के ऊपर नेगेटिव है, तो ये दोनों मिलकर के एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे और ये वाला पार्ट और ये पार्ट मिलकर के एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो CH3 नेगेटिव और H पॉजिटिव, दिस वन कन्वर्टेड इनटू CH4, रेस्ट पार्ट MgBrOH, तो इट मींस MgBrOH हम लिखते थे, यहां पर आ गया OCH3, क्योंकि ये पार्ट हमारा क्या है OCH3। ओके, इसी का एक एग्जांपल हमने ये रखा। सेम वे कुछ और भी हम ले सकते हैं, इथेनॉल की रिएक्शन है, इथेनॉल हमने लिया,
इथेनॉल के साथ में अगर आप हम करें C2H5NZBr, C2H5NZBr, it means ethyl magnesium bromide. इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अगर रिएक्शन करेंगे आप तो ये जो इथाइल ग्रुप है दिस वन गेट नेगेटिव Mg पॉजिटिव. हियर CH3CH2OH, दिस पार्ट इज पॉजिटिव while this part is negative, okay. So H positive and C2H5 dono C2H6 mein convert honge, plus CH3CH2O wala jo part hai wo Mg ke sath milak karke ye is tarah ka ye compound form karega MgBrOC2H5. To Grignard reagent ke sath mein kisi alcohol ki agar aap reaction karte hain to alkane ka formation kiya ja sakta. तो इस मेथड का यूज, इस रिएक्शन का यूज एल्केन की प्रिपरेशन के लिए भी किया जा सकता है और यही जो है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में भी यूज हो सकता है. इट मींस एक ही रिएक्शन का यूज, एक ही जो रिएक्शन, एक टाइप की जो रिएक्शन है उसका दो तीन जगह पर आप यूज कर सकते हैं. इस रिएक्शन का यूज एल्केन के फॉर्मेशन में आप कर सकते हैं और इसी रिएक्शन का यूज आपने अल्कोहल की रिएक्शन के दौरान भी किया है. ओके, तो इसी तरह से अब नेक्स्ट रिएक्शन हम आपको बताएंगे Esterification. Esterification में as the name stated ester, इसका माने esterification means है ester का formation. तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है ester का formation कब होता है, जब आप third reaction है esterification. Esterification के लिए एक लिया जाता है अल्कोहल और एक लिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड. ये दो तरह के कंपाउंड लिए जाते हैं. एक होता है अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल हो सकता है 1 degree, 2 degree, or 3 degree में से, और एक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड. और इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, मिनरल एसिड में कोई भी मिनरल एसिड आप ले सकते हैं. H2SO4 भी लिया जा सकता है, H3PO4 भी लिया जा सकता है. सल्फ्यूरिक एसिड है और ये फॉस्फोरिक एसिड है. तो अगर इसका क्वेश्चन मार्क अगर हम लगा दें कि क्या फॉर्म करेगा तो यहाँ पर आंसर हमारा आता है एस्टर. तो इट मींस नाउ व्हाट इज, हाउ डू यू डिफाइन दिस एस्टरिफिकेशन. तो व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स देन एस्टर्स आर फॉर्मड. एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई अल्कोहल हमने ले लिया CH3OH, दिस वन इज जस्ट मिथेनॉल. इस पे रिएक्शन किया CH3COOH. अगर आपने CH3COOH लिया, इसका ये है मिथेनॉल और ये हो गया आपका, अगर IUPAC में हम इसको लिखें जैसे इसको लिखा है, दिस वन इज इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड. ओके, तो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या H3PO4 एब्रिविएटेड H पॉजिटिव, आप इसको H पॉजिटिव लिख सकते हैं. तो जब इन दोनों को रिएक्ट करते हैं तो एसिड यहां से H पॉजिटिव डोनेट करेगा और आप देख रहे हैं CH3OH, दिस वन इज एक्ट एज अ वीक एसिड. बट अगर पहले से ही आपके पास में एसिड अवेलेबल है तो ये बेस की तरह काम करने लगेगा. यहां पे से OH आप ले लेंगे तो पूरा का पूरा जो है CH3COOCH3 ये कंपाउंड फॉर्म करेगा और ये जो ये कंपाउंड है, ये प्रोडक्ट जो बना हुआ है इसका, ये एस्टर है. और इसका अगर IUPAC नेम बोले तो इसको हमने पहले लिखना होता है मिथाइल इथेनोएट. तो काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है. इसके मैकेनिज्म अगर भी हम ले सकते हैं, क्योंकि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एस्टरिफिकेशन अगर आता है तो इसको कैसे समझना है. सपोज लेट मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप CH3OH पर रिएक्शन होगा मिनरल एसिड का. मिनरल एसिड चाहे H2SO4 ले लीजिए या H3PO4, वो H पॉजिटिव देगा. वो H पॉजिटिव जो है अपने सबस्ट्रेट यानी कि अल्कोहल पे यहां पर अटैक करना है.
तो अल्कोहल में जब आप अटैक करेंगे तो आपको पता है कि अल्कोहल में जो ऑक्सीजन एटम है, दिस ऑक्सीजन कंटेन टू लोन पेयर। ये जो लोन पेयर होते हैं ये दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर होने की वजह से जो ये अल्कोहल है ये एच पॉजिटिव के लिए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और इट मींस जो ये आपका एच पॉजिटिव मिला हुआ है हमें मिनरल एसिड से, वो मिनरल एसिड एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और जो अल्कोहल है वो इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा इसके लिए। तो इट मींस ये एच पॉजिटिव ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के अलावा किसी भी सेंटर में, चाहे आप सी ले लीजिए, चाहे एच ले लीजिए, चाहे ये वो एच वाले एच को ले लीजिए, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, तो ये एच पॉजिटिव इस ओ पे अटैक करेगा तो क्या हो जाता है, सी एच थ्री ओ, एच तो पहले से ही इस पे है, एक लोन पेयर बना रहेगा और एक लोन पेयर के साथ में ये बॉन्ड बनाएगा एच, और जो एच का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन में ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस तरह की एक स्पीसीज फॉर्म करेगी। जो ये स्पीसीज बनी है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ऑन ऑक्सीजन एटम, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन, मिथाइल ऑक्सोनियम आयन। तो ये एक तरह का ऑक्सोनियम आयन, सिंपली हम लिख देते हैं इसको ऑक्सोनियम आयन। कहीं पर भी अगर केमिस्ट्री में ईएम करके लगा है तो उसके लिए पॉजिटिव चार्ज इसके लिए यूज किया जाता है। कार्बन में पॉजिटिव को आप कार्बोनियम आयन बोलते हैं, नाइट्रोजन में पॉजिटिव होता तो नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में पॉजिटिव है तो ये ऑक्सोनियम आयन है। जो ये ऑक्सोनियम आयन स्पीसीज बनी है, यही सेकेंड स्टेप में हम इसको क्या लिख देते हैं इसके लिए, क्योंकि रिएक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो सी एच थ्री ओ एच एच पॉजिटिव, आफ्टर गेटिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन नाउ बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाता है तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है, तो ये पॉजिटिव होने की वजह से इस बॉन्ड को यहाँ बहुत तेजी के साथ में खींचेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पर CH3 पॉजिटिव और प्लस हो जाएगा H2O। अगर स्टेप वाइज हम इसको कर रहे हैं तो इमीडिएटली आप यहाँ पर इसकी भी रिएक्शन कर सकते हैं, बट हम आपको समझाने के लिए अलग अलग स्टेप में ले रहे हैं इसको। तो CH3 पॉजिटिव जो बना है ये हमारा यहाँ अटैक करेगा CH3 पॉजिटिव, CH3C डबल बॉन्ड O OH के साथ में रिएक्शन किया। तो ये जो एसिड है ये, क्योंकि आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप में हमने एच पॉजिटिव किससे लिया हुआ है, मिनरल एसिड से, आपने एच पॉजिटिव वापस करना है, तो यहाँ पे ये एच पॉजिटिव वापस किया जाता है किसको, मिनरल एसिड को, और जो ओ पे नेगेटिव आता है, ये ओ पे नेगेटिव आता है, तो इस ओ नेगेटिव से हमारा ये CH3 पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ जाता है, तो कंपाउंड हमारा फॉर्म करेगा CH3C डबल बॉन्ड ओ ओ CH3 प्लस एच पॉजिटिव वापस। तो इस तरह से एक रिएक्शन जो है, जो आपने एस्टर फॉर्म किया था, कंप्लीट हो जाती है। तो ये एस्टर हमारा, तो ये प्रोसेस जो है जिसमें अल्कोहल से आप एस्टर बनाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन किसी और कंपाउंड से भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अल्कोहल आप ले लीजिए, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर आप कार्बोनिल क्लोराइड भी ले सकते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड, ओइल क्लोराइड जो कंपाउंड है CH3COCl, उससे भी हम जो है अल्कोहल के रिएक्ट करके एस्टर बना सकते हैं। सपोज करें दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर अल्कोहल तो हम लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर कार्बोनिल क्लोराइड अगर ये लिया जाए और मिनरल एसिड की प्रेजेंस है तो एस्टर दोबारा से बन सकता है। देखिए कैसे, अल्कोहल हम ले लेते हैं CH3OH प्लस कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड है हमारा कंपाउंड, लेट ये CH3C डबल बॉन्ड ओ Cl और इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो इसमें भी बहुत आसान है क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक हैलोजन है और ये एसिडिक है H, तो ये H जो यहाँ पे लिया आपने, एसिडिक हाइड्रोजन जो है प्रोटिक, क्योंकि ये जो अल्कोहल होते हैं दे आर प्रोटिक,
एच पॉजिटिव जो है यहाँ पर सी एल नेगेटिव को ले लेगा तो ये ओ सी एस थ्री पार्ट यहाँ लग जाएगा तो हमें तब भी जा करके मिल जाएगा सी एस थ्री ओ सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री प्लस एच सी एल अगेन एस्टर फॉर्म। तो इट मीन्स एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस जो है एल्कोहल के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड से इसी किसके साथ में की जा सकती है और की जा सकती है कार्बोनिल क्लोराइड इसका यूपीसी नेम अगर हम लिखें 1-2-2 कार्बन के लिए अभी एथ ही यूज करते हैं इथेनोइल क्लोराइड ओके। तो इसी तरह से और भी कुछ रिएक्शंस हैं जिससे हम अल्कोहल और लेड की हमें एक कंपाउंड एसिटिक एनहाइड्राइड एक कंपाउंड और लेना है अल्कोहल प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड और इसकी प्रेजेंस अगर हम एसिड मिनरल एसिड की प्रेजेंस रखें तो भी एस्टर फॉर्म हो सकता है। तो इट मींस देयर आर सो मेनी मेथड्स फॉर मेकिंग एस्टर फ्रॉम अल्कोहल्स। एस्टरिफिकेशन अल्कोहल के साथ में किसी कंपाउंड को ट्रीट करा आपने और ये मिनरल एसिड की प्रेजेंस में अगर एस्टर बन रहा है तो उस सभी प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन के अंदर रख सकते हैं। तो जो अभी हमने लास्ट हमने बताया क्योंकि एस्टरिफिकेशन के तीन तरीके हमने बता दिए ए अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बी अल्कोहल प्लस कार्बोनिल क्लोराइड सी अल्कोहल प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड को लेकर के कैसे ये रिएक्शन करेगा उसको भी देख लीजिएगा। CH3OH एक अल्कोहल लिया आपने और उसके साथ में जो एसिटिक एनहाइड्राइड लेना है एक सबसे सिंपल एसिटिक एनहाइड्राइड जो है जिसको कि कॉमनली इथेनोइल एनहाइड्राइड बोला जाता है उसका फॉर्मूला ये है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड है और इसका यूपीएससी नेम देखिए 1-2 यहां भी है 2 कार्बन 1-2 बोथ साइड इधर साइड ऑफ द ऑक्सीजन दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ आप देख रहे हैं 1-2 कार्बन है 1-2 कार्बन है तो इसके लिए एथ वर्ड यूज किया जाता है और इसका यूपीएससी नेम आप लिखते हैं इथेनोइल क्लोराइड इथेनोइल एनहाइड्राइड नॉट क्लोराइड इथेनोइल एनहाइड्राइड यूपीएससी नेम जो है अगर आप उस मॉलिक्यूल कोई रिएक्शन करें उसके साइमल्टेनियसली अगर आप करें तो अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन द प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव इस रिएक्शन को अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है भी ये क्योंकि एसिड वीक एसिड है CH3OH इसमें से एच पॉजिटिव यहां से डोनेट होगा। एच पॉजिटिव जब ये डोनेट करेगा तो इतना पार्ट ये वाला पार्ट अगर हम बिना मैकेनिज्म के इसको बताएं तो CH3C डबल बॉन्ड OH ये अलग हो जाएगा। इट मींस एक साइड प्रोडक्ट हमारा बनना है CH3C डबल बॉन्ड OH एक तो ये बन जाएगा और उसके साथ में जो ये पार्ट है जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है CH3C डबल बॉन्ड OCH3 एक साथ हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3 तो ये बन गया हमारा एस्टर और इसके साथ में ये बना है एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब आप अल्कोहल और एसिडिक एनहाइड्राइड को ट्रीट करते हैं तो आपके पास में एस्टर और एसिड का फॉर्मेशन होता है तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर दिस इज आल्सो कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस भी आपने देखी। इसके साथ में और भी प्रोसेस हैं हमारे पास में जैसे केमिकल रिएक्शन के लिए लेट की ल्यूकास रिएजेंट होता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ में अल्कोहल की रिएक्शन कैसे होगी वो भी देखिएगा। पहले हमें ये बताना है कि व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट जो होता है ये कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को बोला जाता है। और नेक्स्ट रिएक्शन है ल्यूकास रिएजेंट विद ल्यूकास रिएजेंट अल्कोहल के रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ में तो ल्यूकास रिएजेंट दिस इज द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। अगर आप इसके मिक्सचर को बनाते हैं तो उसके लिए नाम है ल्यूकास रिएजेंट। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन
दिस अल्कोहल ट्रीटेड विथ, अल्कोहल को अगर आप इसके साथ पे ट्रीट करते हैं, अगर पूरा हम ऐसे लिख दें ल्यूकोस रिएजेंट, ल्यूकोस रिएजेंट, तो क्या बनेगा इसको समझना है। समरी हमारे सामने है, अल्कोहल ट्रीटेड विथ ल्यूकोस रिएजेंट, व्हाट विल द प्रोडक्ट। तो लेट की एक सिंपल अल्कोहल हम ले लेते हैं CH3OH, दिस वन इज वेरी सिंपल, और इसके साथ में जो ल्यूकोस रिएजेंट है तो हमें क्या करना है, HCl को तो यहां लिखना है और बीच में लिख देना है हमने एनहाइड्रस ZnCl2। तो जो एसिड है ये एक तरह से कैटलिस्ट का काम करेगा, HCl इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये जो H है एसिड का H और अल्कोहल का जो OH है, ये H और ये OH मिलकर के वाटर को आउट कर देंगे और Cl और ये पार्ट एक साथ जुड़ करके CH3Cl बना देगा, ठीक है ना। तो ये तो इट मींस अल्कोहल के साथ में ल्यूकोस रिएजेंट की अगर आप रिएक्शन करते हैं तो हमारा कंपाउंड बनता है अल्काइल हैलाइड। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा, लेकिन इस रिएजेंट का यूज किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तीनों में अंतर करने के लिए। सपोज दैट कि हमारे पास तीन टेस्ट ट्यूब्स हैं और तीनों टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है और आपसे कहा जाता है कि एक टेस्ट ट्यूब में जो है 1 डिग्री अल्कोहल है, एक टेस्ट ट्यूब में 2 डिग्री अल्कोहल है और एक में 3 डिग्री अल्कोहल है, और आपको नहीं बताया जाता है कि किसमें क्या है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी है, किसमें टर्शियरी है। तो उसके लिए ल्यूकोस रिएजेंट का यूज आप कर सकते हैं। कैसे कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल एक ले लेते हैं CH3CH3OH, एक टर्शियरी अल्कोहल है CH3CH3OH। अगर इन तीनों को हम ल्यूकोस रिएजेंट के साथ में ट्रीट करें तो तीनों की रिएक्शनें जो हैं किस तरीके से होती हैं, कोई फास्ट रिएक्शन कर सकता है, कोई स्लो रिएक्शन कर सकता है, तो कौन फास्ट करेगा कौन स्लो करेगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि किसमें H पॉजिटिव वाली बात हमने करी थी, जैसे ये H पॉजिटिव यहां से आ रहा है, OH नेगेटिव यहां से आ रहा है, तो वही चीजें यहां देखिएगा किसमें OH बॉन्ड आसानी से जो है एसिड को डोनेट किया जा सकता है, उसमें हम क्या करेंगे रिएक्शन को फास्ट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि एसिड की प्रेजेंस में जो है एसिड की प्रेजेंस में CO बॉन्ड तोड़ा जाता है ना कि OH बॉन्ड, दो तरह के बॉन्ड टूट रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अल्कोहल में जो रिएक्शन होती है ROOH, ये है या तो OH बॉन्ड की वजह से टूटने की वजह से रिएक्शन हो रही है या CO बॉन्ड के RO बॉन्ड के टूटने की वजह से रिएक्शन हो रही है। तो ल्यूकोस रिएजेंट की प्रेजेंस में अल्कोहल में C और O के बीच का बॉन्ड आप तोड़ते हैं, तो यहां पे अगर तीनों अल्कोहल को अगर आप कंपेयर करें तो ये CH3CH2 इसमें एक प्लस आई ग्रुप है, इसमें दो प्लस आई ग्रुप है, यहां पे एक प्लस आई है, इन टर्शियरी देयर आर 3 प्लस आई ग्रुप्स। जब ये 3 प्लस आई ग्रुप्स हैं, 3 प्लस आई ग्रुप्स से क्या होता है कि ये तीनों के तीनों ग्रुप जो हैं इलेक्ट्रॉनों को जो है OH की तरफ भेज रहे हैं, तो ये जो CO की पोलैरिटी यहां पर काफी बढ़ जाती है, CO बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाती है और इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्गली जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। जबकि यहां पर दो ही प्लस आई ग्रुप हैं, तो इस बॉन्ड का यहां शिफ्ट होना थोड़ा सा इससे स्लो रहेगा, और जबकि आप देख रहे हैं कि प्राइमरी में एक प्लस आई ग्रुप है तो इस बॉन्ड का यहां को शिफ्ट होना बहुत ही टफ होगा। तो इट मींस अगर इन तीनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग अल्कोहल है, एक में टर्शियरी है, तो टर्शियरी अल्कोहल में अगर आप ल्यूकोस रिएजेंट मिलाते हैं, इट मींस कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 अगर इसमें मिलाएं एनहाइड्रस ZnCl2, तो इमीडिएटली ये रिएक्ट कर जाएगा और जो है कंपाउंड फॉर्म करेगा CH3CH3CCl और प्लस जो है H2। इन तीनों में से जिसमें भी टर्शियरी अल्कोहल होगा उसमें हमने ल्यूकोस रिएजेंट मिलाया तो तुरंत वो अल्कोहल से ट्रीट होगा और हमारा अल्काइल हैलाइड जो बनेगा, अल्काइल हैलाइड के बन जाने से इसके अंदर टर्बिडिटी आ जाती है।
टर्बिडिटी, इट मीन्स धुंधलापन बहुत जल्दी आ जाएगा। ल्यूकोस रिएजेंट को टर्सरी अल्कोहल में अगर आप मिलाते हैं तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द टर्सरी अल्काइल हैलाइड इमीडिएटली दिस वन दिस सॉल्यूशन बिकम्स टर्बिड। तो इससे हमें पता चल जाता है मिलाते ही अगर सपोज लेट करें कि उसमें अगर टर्बिड आएगा, धुंधलापन आ जाएगा, तो वो टर्सरी अल्कोहल माना जाएगा। और अगर आप ल्यूकोस रिएजेंट मिलाते हैं और टर्बिडिटी आने में 5 मिनट का समय लग जाता है, टर्बिडिटी आने में अगर 5 मिनट का समय लग जाता है तो समझ लीजिएगा वो सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इट मींस सेकेंडरी अल्कोहल का जो ल्यूकोस रिएजेंट के साथ में ट्रीटमेंट होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा कंपेयर टू टर्सरी। तो टर्बिडिटी में 5 मिनट लगेंगे और जो प्राइमरी अल्कोहल है ये इतना स्लो रिएक्शन करेगा कि टर्बिडिटी इसमें आती ही नहीं है। तो टर्बिडिटी नहीं आएगी ल्यूकोस रिएजेंट, नो टर्बिड। तो इससे ये पता चलता है कि वो बहुत ही स्लो रिएक्शन हो रही है। तो जिसमें स्लो रिएक्शन होगी वो प्राइमरी अल्कोहल, थोड़ा फास्ट होगा सेकेंडरी, और सबसे तेज रिएक्शन होगी तो वो टर्सरी अल्कोहल होगा। तो इससे ये पता चलता है कि ल्यूकोस रिएजेंट का यूज किया जाता है आपके अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने में। ओके, तो इसी तरह से एक और रिएक्शन आपके सामने रखते हैं, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड्स होते हैं, अगर आप किसी अल्कोहल को लेते हैं CH3CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, और इसकी रिएक्शन अगर आप PCl5 से करें, इसकी रिएक्शन अगर आप करें PCl3 से करें, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में भी हम रिएक्शन दे रहे हैं, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो दोनों के साथ में जो मेन कंपाउंड बनेगा, अगर आप इसकी भी रिएक्शन करेंगे CH3CH2OH, दोनों के साथ में जो मेन कंपाउंड बनेगा वो तो यही बनेगा CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। केवल जो डिफरेंस होगा वो साइड प्रोडक्ट का डिफरेंस होगा। अगर आप PCl3 लेते हैं तो एक PCl3 लेते हैं तो H3PO4 के बनने के चांस एक साथ में रहेंगे, और अगर आप जो ये PCl5 ले रहे हैं तो एक POCl3 भी साथ में बनेगा और एक HCl भी बनेगा। ओके, तो CH3CH2OH और PCl5 मिलकर के मेन प्रोडक्ट वही बनेंगे। एल्काइल हैलाइड में हमें कहीं इधर उधर नहीं होना है, एल्काइल हैलाइड दोनों में वही बनेंगे, बट जो साइड प्रोडक्ट है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ Cl यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ पर HCl भी साथ में बनेगा। यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन कम होने की वजह से पूरा का पूरा Cl यही रहेगा, कोई भी दूसरा साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा जिसमें कि कोई Cl हो। सेम इसी तरह से अगर हम लेते हैं रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, क्योंकि इसमें भी रिएक्शन सेम इसी तरह का होता है, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। तो रिएक्शन अगर हम लें CH3CH2OH प्लस SOCl, अगर इस तरह से ये रिएक्शन हो जाए तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो यही बनेगा CH3CH2Cl। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहल को कन्वर्ट करिए अल्काइल हैलाइड में, तो ये दीज आर द बेस्ट मेथड्स, PCl5, PCl3 एंड SOCl। अब अल्कोहल की कुछ रिएक्शन होती है जो कि ऑक्सीडेशन के बेस में बनाई जाती है, ऑक्सीडेशन और ऑफ अल्कोहल में कुछ रिएक्शन हैं या रिडक्शन ऑफ अल्कोहल है। तो पहले हम बताते हैं कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है क्योंकि अल्कोहल हमारे तीन तरह के दिख रहे हैं, CH3CH2OH, दिस वन इज द प्राइमरी अल्कोहल। अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, ये एब्रिविएशन है ऑक्सीडेशन का, इस ऑक्सीडेशन के लिए हम ले सकते हैं एल्कलाइन KNO4 ले सकते हैं, K2CR2O7 ले सकते हैं,
या जस्ट कॉपर है, कॉपर मेटल जो होता है कॉपर एलिमेंट, उसको भी अगर आप ज्यादा हीट करें तो भी हम इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो एक ऑक्सीडेशन पहले इसका हम बताएंगे आपको। तो ये है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में जो ग्रुप होता है वो है हमारा CH2OH ग्रुप, बाकी ये लगा हुआ एल्काइल ग्रुप। तो CH2OH जो है वो चेंज हो जाता है CHO में, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो एल्डिहाइड बन जाता है। इसमें से दो एच जो है हमारे अलग हो जाते हैं, यानी कि H2। अगर इसको हम देखें विदाउट टेकिंग एनी ऑक्सीजन, इसको हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे, केवल जो है ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है एल्डिहाइड में उसको अगर हम देखें, तो CH3 ठीक है अपनी जगह पर, CHHOH इसको नॉर्मली अगर आपको समझना है तो कुछ इस तरह से देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन अगर आप हटा देते हैं इसमें से, हाइड्रोजन को आउट करना एक तरह का ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन को ऐड करना भी ऑक्सीडेशन है। आप किसी भी चीज के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस में अगर आप ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझना चाहते हैं, किसी मॉलिक्यूल में से अगर आप हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं तो भी ऑक्सीडेशन है, किसी मॉलिक्यूल में अगर आप ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो भी ऑक्सीडेशन है। ओके, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल में से सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं, कुछ इस तरह का कर देते हैं। जैसे ये OH है, ये बॉन्ड हमारा यहां आ रहा है और ये वाला आउट हो रहा है, यानी कि हाइड्राइड और हाइड्रोजन आयन दोनों मिलकर के H2 बना देते हैं। और अगर आप इसको कंबाइन कर दें ऑक्सीजन के साथ में, दिस वन इज द रेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, तो H2O भी यहां पर हम लिख सकते हैं। अभी हम उस पर कंसिडर नहीं कर रहे, केवल आप कैसे इसको जो है माइंड करें कि क्या हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। CH3CH ये हो गया, ये बॉन्ड यहां आया और ये आउट हो गया, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हमें जो कंपाउंड बनाया था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी कि 2 कार्बन है, यूपीएससी अगर नेम ले आ इथेनल। ओके, इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लें, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मूला आपके सामने इस तरह से एक ले लेते हैं, हम एक सिंपल सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, ये है सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो देखिए कार्बन अटैच विद OH बियरिंग 1H, इट मींस इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। कैसे, अगर जो मेथड हमने यहां पर अभी आपको बताया अगर उसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको बनाएं, तो ये जो O और H के बीच का बॉन्ड है इसको यहाँ शिफ्ट करिएगा और ये H नेगेटिव आउट हो जाएगा, H पॉजिटिव और H नेगेटिव को मिला करके आप क्या कह सकते हैं H2, और साथ में जो है जो प्रोडक्ट बना उसको देखिएगा CH3 और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। तो जैसा कि दिख रहा है आपको C डबल बॉन्ड O है, कोई भी H नहीं है उसके साथ में, तो ये है कीटो। और IUPAC में अगर आप इसको लिखते हैं 1, 2, 3, दिस वन इज प्रोपेनोन, 2 भी लिख सकते हैं या जस्ट प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं या 2 प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल का हमने बताया आपको, 2 डिग्री अल्कोहल है, अब इसी तरह से हम 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करते हैं, देखिए होता है या नहीं होता, देखिएगा इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं 3 डिग्री में, CH3 ये भी यहां पर भी हम CH3 लगाएंगे और यहाँ OH लगा देंगे, तो दिस वन इज 3 डिग्री अल्कोहल। कार्बन अटैच विद OH, अटैच विद 3 कार्बन, तो इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल है। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो जो मेथड हमने यहां अप्लाई की थी अगर उसी मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं, हमने कहा कि O और H के बीच का बॉन्ड इस CO के बीच में आएगा और H नेगेटिव यहां से हटेगा, और ऐसा अगर हम करने की कोशिश यहां करें O और H के बीच का बॉन्ड यहां आएगा लेकिन यहां कहीं भी H नहीं है, तो इट मींस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज दिस टर्शियरी अल्कोहल, दैट्स व्हाई नो ऑक्सीडेशन या नो रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशन। एट नॉर्मल कंडीशन जो कंडीशन यहां है उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, और अगर इसके लिए टफ कंडीशन यूज करेंगे तो रिएक्शन होगी लेकिन उसमें प्रोडक्ट हमारे कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनेंगे, न तो एल्डिहाइड बनेगा, न कि प्रोपेनोन यानी कीटोन वगैरह वाले कंपाउंड बनके कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह भी बन सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जब हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया था, प्राइमरी अल्कोहल लिया था तो देयर आर 2 कार्बन, यहां भी प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन थे। जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया था,
स्टार्टिंग में जो सबस्ट्रेट दिया था, एल्कोहल दिया था, 1, 2, 3 तीन कार्बन थे, प्रोडक्ट में भी तीन कार्बन थे। लेकिन अगर आप टर्शियरी एल्कोहल को नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज करते हैं तब तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, पर टफ कंडीशन में लेते हैं तो जितने कार्बन पहले हैं उतने कार्बन आपको प्रोडक्ट में नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो है सीसी बॉन्ड को तोड़ना होगा, कार्बन को अलग करना होगा। तो यहाँ अगर लेड की इसमें देखें हम 1, 2, 3, 4 यहाँ चार कार्बन है, तो हो सकता है वहां पर आपको जो है जो प्रोडक्ट मिले वो तीन कार्बन का मिले या दो कार्बन का मिले। तो टर्शियरी अल्कोहल के साथ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का न होना या बहुत टफ कंडीशन पे होना, दैट इज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन ऑन द कार्बन अटैच्ड विथ OH। जिस कार्बन के साथ में OH है उसके साथ में H का न होना ही टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन को क्या किया हुआ है, टफ किया हुआ है ऑक्सीडेशन के लिए। ओके, ये इस तरह से ऑक्सीडेशन था। इसी तरह से अगर केवल मेटल भी ले रहे हैं आप, मेटल के प्रेजेंस में अगर कोई आपके पास में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट नहीं है, एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और भी आप ले सकते हैं जिसको कि हम PCC बोलते हैं, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर इसको लें हम पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका पूरा नाम है PCC के प्रेजेंस में भी इसी तरह का रिएक्शन होता है। एक रिएक्शन अलग से हम ले लेते हैं, PCC से अगर हम करें लेट CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर इस तरह का कहीं अल्कोहल हमें दे दिया जाए CH2OH, ये अल्कोहल है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, बट डबल बॉन्ड भी इसमें है, और इसमें अगर हम PCC लिखा बीच में तो आपको क्वेश्चन मार्क, इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आपको समझ जाना है कि ये PCC जो है एक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका पूरा नाम है पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीन HCl और क्रोमिक ऑक्साइड को मिला करके यह बनाया जाता है पिरिडिनियम, पी क्लोरो सी क्रोमेट सी, दैट्स व्हाई एब्रिविएटेड एज PCC, इसको PCC कहते हैं। और ये जो है कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस तरह का रिएजेंट है, तो आप कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो इसको आप कैसे इसका लेंगे, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे किया जाएगा, सेम वही होगा, क्योंकि आप ये देखिएगा कि ग्रुप क्या है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप दिया है तो एल्डिहाइड में आप ले आएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल दिया है तो कीटोन पे आप ले आएंगे, टर्शियरी दिया है तो दैट इज वेरी टफ। ओके, तो ये है हमारे पास में ये कंपाउंड, अगर इसका PCC के साथ में ऑक्सीडेशन अगर हमने करना है तो ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड, ये अपनी जगह बना रहेगा, इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना है, CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड देन CH2OH की जगह पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो इस तरह से एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस ये भी हो गया। इसी तरह से कुछ और रिएक्शन हैं, एक रिएक्शन को नाम दिया गया है आपके यहाँ केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के अंदर, पीनाकोल पीनाकोलोन रिएजमेंट, एक रिएक्शन है पीनाकोल पीनाकोलोन रिअरेंजमेंट, अगर हम इस रिएक्शन को देखें एज द नेम स्टेटेड पीनाकोल, यानी कि ऑल पीनाकोलोन, ये है हमारा कीटोन से ओल कीटोन से रिलेटेड है। तो इसमें एक रिएक्शन हम आपके सामने रखते हैं, क्या होता है, रीअरेंजमेंट है इसमें। सपोज ये है आपके CH3 और इससे लग गया OH, ये है, और बीच में हमें दिया हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इसका प्रोडक्ट ये एक है कंपाउंड जिसको कि क्लासिफाई एक क्लास के अंदर रखा गया है, इसके लिए पीनाकोल वर्ड यूज किया जाता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक पीनाकोलोन बनेगा, यानी कि कीटोन वाला कुछ कंपाउंड बनेगा। कैसे, इस रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 लेड की इसकी मैकेनिज्म वगैरह अगर हम बनाए तो उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या इसमें रीअरेंज होता है, क्योंकि वर्ड्स लिखा हुआ है रीअरेंजमेंट।
तो पहला स्टेप तो ठीक है, H2SO4 हमारा बैक होगा और हम लिख देते हैं H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है उसको अगर आप लें तो जो ये H पॉजिटिव है वो सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, तो CH3OH सिंगल बॉन्ड CH3OH। जैसा कि पहले के रिएक्शन में भी एक जगह हुआ है, ये जो H पॉजिटिव है अगर इस मॉलिक्यूल में अटैक कराना है इसको, तो H पॉजिटिव क्योंकि एक्ट करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह है, तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो आप देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है जो कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है H पॉजिटिव को। तो ये जो H पॉजिटिव है या तो इस O पे अटैक करेगा या इस O पे अटैक करेगा, क्योंकि जो कंपाउंड आपके सामने रखा गया है बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल इन नेचर, क्योंकि जो कार्बन है यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, सेम चीजें हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं भी आप अटैक करें। लेट कि हम यहाँ पे अटैक कर लेते हैं, ये जो है इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा इसमें CH3C CH3, ये OH अपनी जगह बना रहेगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3CH3, और यहां जो आएगा वो ये आ जाएगा H और यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो ये H पॉजिटिव है उसने ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है और जिससे वो अपना न्यूट्रल हुआ, न्यूट्रल होने के बाद जो ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ उसने बॉन्ड बनाया है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने हेल्प की हुई है, तो ऑक्सीजन में एक पॉजिटिव आ जाएगा। फिर जैसे ही ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा तो एक तरह का ऑक्सोनियम आयन बना, ऑक्सोनियम आयन, तो जो ऑक्सोनियम आयन वाला जो कंपाउंड है फर्दर जो है क्या करेगा थर्ड स्टेप में CH3CCH3OH CH3CH3OH H पॉजिटिव। ओके, नाउ ऑक्सीजन, दिस पॉजिटिव ऑक्सीजन बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस बॉन्ड नाउ बिकम्स मोर पोलर, तो ये पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट कर जाएगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, दिस कार्बन गेट पॉजिटिव CH3CCH3OH CH3CH3 पॉजिटिव, तो ये कार्बोनियम आयन बन गया। तो जो ये कार्बोनियम आयन बना हुआ है, अभी कार्बोनियम आयन तो है टर्सरी, बट इस कार्बोनियम आयन को और स्टेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, यहां से रीअरेंजमेंट वाला पार्ट शुरू होता है। पिनाकोल पिनाकोलोन में जो वर्ड लगा हुआ है रीअरेंजमेंट, यहां शुरू होगा। इसमें जो मिथाइल शिफ्टिंग होती है इसको दोबारा यहां लिखेंगे हम CH3C CH3OH सिंगल बॉन्ड CH3CH3, दिस वन इज पॉजिटिव, नाउ रीअरेंजमेंट जो होता है वो क्यों होता है, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है। रीअरेंजमेंट का रीजन है स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि यहां पे क्या होगा, जो ये मिथाइल से है ना, मिथाइल पूरा का पूरा विद इट्स इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन पॉजिटिव के पास में जाएगा और ये कार्बन जो है पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाला कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, मिथाइल यहां शिफ्ट होगा, तो ये वाला जो पॉजिटिव आएगा ये यहां पे जो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है उसकी वजह से ये स्टेबलाइज होगा, इस वजह से ये शिफ्टिंग होती है। जहां कहीं भी किसी भी मॉलिक्यूल में किसी रिएक्शन के दौरान अगर आप देखेंगे कि कार्बोनियम आयन बनता है और वो कार्बोनियम आयन फर्दर अगर स्टेबलाइज होने वाला किसी एनी हाउ, माने इंडक्टिव इफेक्ट से भी हो सकता है स्टेबलाइज, रेजोनेंस से भी हो सकता है, तो वहां पर रीअरेंजमेंट आप करेंगे। तो यहाँ रीअरेंजमेंट के लिए हम क्या बोलते हैं, क्योंकि इस कार्बन से इस कार्बन में गया यानी कि नेबरिंग कार्बन में, ये दीज कार्बन आज कॉल विसिनल कार्बन, अगल बगल वाले कार्बन में यानी कि वन और टू, तो इसको बोलते हैं 1,2-methyl shift। बहुत जगह आपने देखा होगा 1,2-hydride shift भी होता है, लेकिन यहां पर हमने CH3 ग्रुप हमने शिफ्ट किया है, तो इसके लिए मिथाइल शिफ्ट, तो यहां बनेगा CH3COH, दिस वन इज नाउ पॉजिटिव CH3CH3CH3। तो ये जो कार्बोनियम आयन अभी बना हुआ है, दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस वन, इट मींस ये वाला जो है इससे ये ज्यादा स्टेबल बना है, तभी जाके ये रीअरेंजमेंट हुआ। तो इसी में लास्ट स्टेप एक और है,
जिससे कि अब कंपाउंड फॉर्म करेगा, वो क्या बनेगा देख लीजिएगा। इसके बाद फिफ्थ स्टेप, जो वहां का प्रोडक्ट है यह CH3C पॉजिटिव OH सिंगल बॉन्ड CH3, CH3, CH3। तो जैसा कि हमें पता है कि पहले स्टेप में जो कैटलिस्ट था H2SO4, उस कैटलिस्ट का जो H पॉजिटिव है वो हमने सिस्टम में लिया हुआ है, तो आपको उसको वापस भी करना है। तो ये O और H के बीच का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये H पॉजिटिव वापस चला जाएगा और कंपाउंड हमारे पास मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, देन CH3, CH3, CH3 और प्लस H पॉजिटिव वापस हो गया है। दिस इज कॉल्ड पिनाकोलोन बिकॉज ऑफ दिस C डबल बॉन्ड। तो जो हमने स्टार्टिंग करी थी वो पिनाकोल से की थी और पहुंच गए हम पिनाकोलोन में, दैट्स व्हाई कॉल्ड पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजेंट। ओके, तो ये कुछ रिएक्शंस हमने आपके सामने रखी एल्कोहल की। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम बताएंगे फिनॉल के बारे में।